किसानी अंदोलन दे विच खनौरी बॉर्डर दे उपर तीन किसानां दी मौत हो चुकी है। माहौल गमगीन आ। जिस जगह दे उपर ट्रैक्टरां दे गाने चलदे हुंदे सी, किसान उत्साह दे विच हुंदे सी, कितने किते हर एक जिहड़ी हैगी आ अख नामा किसान नेता साडे नाल मौजूद ने। अभिमन्यू जी, किस तरीके नाल देखदे हो माहौल, किवें आ अंदोलन, किवें आ तीन किसान जिहड़े हैगे ने कितने किते किसानी अंदोलन दे विच अपनी जान गवा चुके ने हुण तक? देखो, माहौल बड़ा भावुक है और पिछले दो दिनों से कुछ लोगों ने शाम को भोजन भी नहीं किया है और खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा, खाना बनाने की भी स्थिति नहीं है। और आपने सही कहा कि पहले सुबह और शाम नौजवान लड़के किसानी के गाने चला के यहाँ ट्रैक्टर आराम से अपना घूमते थे मोर्चे में, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक मैं बात जरूर कह दूँ कि जो इन भाइयों की कुर्बानी हुई है, चाहे वो 22 साल के शुभकर्ण सिंह हो, चाहे मनजीत सिंह हो, चाहे ज्ञान सिंह हो, चाहे कल रात को जो दर्शन सिंह जी 62 वर्ष के किसान शहीद हुए हैं, इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। इनकी कुर्बानी इस आंदोलन को ताकत दे रही है, इस आंदोलन को अंदर से मजबूती दे रही है। और कल हम पटियाला में राजेंद्रा हॉस्पिटल में थे, रात को 3:30 बजे तक मीटिंग चली और तमाम जो हरियाणा पंजाब के घायल किसान हैं उनसे भी मिले और पूरे फोरम की उनकी दोनों की मीटिंग भी हुई, विचार चर्चा भी करी आगे की रणनीति पे क्या करना है, कैसे करना है। और एक बात तय है कि जब तक शुभकर्ण सिंह को, उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ना तो उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और ना ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब मांग पूरी हो जाएगी उसके बाद पोस्टमार्टम होकर उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे सबके अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा। अभी मनोज जी, कैसे बताते हो आप, जैसे कि आपने बोला कि कल रात मीटिंग हुई थी, तो कौन सी मांगे हैं जिन पर अभी भी समझौता नहीं हुआ, क्योंकि कल भी मीटिंग हुई थी, ऐसी कौन कौन सी मांगे, किन मांगों पर सरकार मान चुकी है, या कौन सी मांगे शुभकर्ण के लिए अभी तक उसकी फैमिली के लिए पेंडिंग पड़ी है? देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिन लोगों ने गोली मारी है, जो सिविल ड्रेस में थे, जो वो बोल रहे हैं, अगर वो उस बात को पूरा करा देंगे तो फिर हम उनका जो तमाम मांगे जब वो पूरी हो जाएंगी तो उनका पोस्टमार्टम करवा के उनके अंतिम दर्शन यहाँ के आएंगे, अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर, उनका फिर अंतिम संस्कार करेंगे। देखिए, ये कोई 22 साल का नौजवान, उसका पार्थिव शरीर हो, ये उसके परिवार के लिए, उसके आंदोलनकारी साथियों के लिए कोई आसान पल नहीं है। जब वहां देखते हैं एक 22 साल के नौजवान की, कल हम भी हॉस्पिटल में थे, तो मन को कितनी पीड़ा होती है। ये एक जो ये अंतिम संस्कार के बीच में और जो देहांत के बीच में, जो शहादत के बीच का जो समय होता है किसी भी आंदोलनकारी के लिए, वो उसके परिवार, उसके साथियों के लिए बहुत पीड़ादायक होता है। हम भी उस पीड़ा को समझते हैं, हम उस पीड़ा को महसूस करते हैं, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। वो तो समाज जानता है, परमात्मा जानता है, हमारे भाई जानते हैं, और अंदर खाने से वो पुलिस वाले भाई भी जो वहां पे ड्यूटी दे रहे हैं वो भी जानते हैं कि किसानों ने कोई हिंसा नहीं करी। वो भी जानते हैं कि कुछ सिविलियंस में आदमी आए थे और उन्होंने उस तरफ से परसों जय श्री राम, जय माता दी, इस तरीके के नारे लगा के गलत इशारे करे लोगों की तरफ। ये सब जानते हैं, वीडियो है, विजुअल्स है सारे। पर एक और भी है, हरियाणा पुलिस ने इल्जाम लगाया कि किसानों ने पराली जाली, उनके ऊपर धुआं फेंका, मिर्ची के भी इल्जाम लगाए कि मिर्ची भी धुएं में डाली इसलिए हमने ये एक्शन किया, ट्रैक्टर वगैरह तोड़े, जो भी नुकसान हुआ। कोई मिर्ची नहीं डाली किसी ने, कोई कुछ नहीं किया है, इस तरह की बातें सारी अफवाह हैं। आप मुझे बताइए कहाँ मिर्ची डाली है, किसने मिर्ची डाली है? अगर मिर्ची डाली होती तो आज इतना साइंटिफिकली एडवांस जमाना है, आप वहां जांच करा लीजिए, वो अगर उनके जो अवशेष हैं जो वहां पे अब भी मिल जाएगा उसमें, खेतों में अगर मिर्ची डाली होगी तो। और मिर्ची अगर डाली होती तो वो 2 मिनट भी वहां खड़े नहीं हो सकते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक गलत एक प्रोस्पेक्टिव पेश किया जा रहा है। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 21 तारीख की रात को, हमने वीडियो हैं सारे हैं, 21 तारीख की रात को पुलिस वाले, पैरामिलिट्री वाले जवान खेतों में आके टॉर्च लेके वो ढूंढ रहे थे, वो खाली खोल ढूंढ रहे थे जो उन्होंने किसानों को मारे, उनको उठा उठा के लेके जा रहे थे। क्यों लेके जा रहे थे, किस चीज का डर है उनको? इसी चीज का डर है ना कि गैर कानूनी 315 बोर के, 32 बोर के, 12 बोर के फायर करे जा रहे हैं। हमारे एक हरियाणा के किसान को भी यहाँ पे छर्रे लगे हैं, हमारे यहाँ पे जो ये हड्डी होती है इस पे यहाँ छर्रे लगे हैं, फिर डॉक्टरों ने यहाँ पे वो छर्रे निकाले हैं, 12 बोर के छोटे छर्रे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ लाखों की संख्या है, अगर किसान शांतिपूर्ण ना हो तो बहुत कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी मनोज जी, अगली कार्रवाई क्या होगी किसानों की? माहौल गमगीन है, आगे दिल्ली बढ़ने का है इरादा या कुछ और?
हमारा दिल्ली का कार्यक्रम एज इट इज स्टैंड कर रहा है, लेकिन जो अभी प्रैक्टिकल हालात हैं, 22 साल का नौजवान जो शहीद हुआ है उसका भी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, उस परिवार की पीड़ा आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, आप समझ भी रहे होंगे आप। तो सबसे पहले अभी जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि उस शहीद किसान के परिवार को न्याय और वो मांग पूरी होने के बाद उनका अंतिम संस्कार, वो अभी हमारी प्रायोरिटी है। दिल्ली का कार्यक्रम एज इट इज स्टैंड कर रहा है, बिल्कुल वो कार्यक्रम मजबूती से खड़ा है, एक दो दिन का उसमें आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अभी उस परिवार को संभालना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, शुभ करण की मौत तो बाद खनौरी बॉर्डर का जो माहौल आ गमगीन होया है, किसान नेता अभिमन्यू ने साफ तौर पर कहता कि जदों तक शुभ करण की शहादत को लेकर साडिया मंगा नहीं पूरिया होंदिया उदों तक साडे वालों इसे तरीके शांति बना के जी है खनौरी बॉर्डर के उपर रखी जाएगी। तो साफ तौर पर एक होर भी गल कह दी है कि जेडे किसान है वह शांति बना के रख रहे हैं, तो शुभ करण की मौत जी है कि ना कि हर एक तरह के जो हालात ने इतने के खराब हो पे ने। हूँ इस वक्त शुभ करण की जी बॉडी आ पटियाला राजेंद्र हस्पताल मंगा नू लैके कितना कितने सरकार दे नाल मीटिंगां कीतियां जा रही ने, उस तो बाद जाके फिर जी है पोस्टमार्टम तो बाद जी शुभ करण का जी बॉडी हैगी खनौरी बॉर्डर से लिया जाऊगी, तो सारे जो दर्शन ने करवाए जाएंगे। चरणजीत कौशल खनौरी बॉर्डर तो न्यूज़ 18 पंजाब।